नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल प्रदीप पोटली वाला में। सर्दियां बढ़ती जा रही हैं और हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रही हैं। इस बार इन सर्दियों से बचने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही किफ़ायती है और सस्ता है। तो ये दो मॉडल आपको दिखाऊँगा, एक बड़े घरों के लिए है और एक छोटे घर के लिए है। छोटे घर इन द सेंस जैसे आप किराए के मकान में रहते हैं, किसी हॉस्टल में रहते हैं, या कहीं जॉब करते हैं, कोई गार्ड रूम है, कोई रेस्ट रूम है, कोई आपकी शॉप है, कोई इस तरह की कोई छोटी छोटी जगह है जहाँ पर सिंगल यूज़र के लिए। सपोज़ करते हैं आप ऑफिस में बैठे हैं, जैसे मैं अपने आप को ही ले लूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, सिंगल यूज़र के लिए एक छोटा जो एक तरह से रूम हीटर होता है वो मिलना बहुत ही मुश्किल था पहले, लेकिन अब इसको हमने आसान कर दिया है। छोटा रूम हीटर आप ले सकते हैं, ये सिर्फ 400 वाट में है और ये आपके इन्वर्टर पर भी चल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं, पहले इसको देखेंगे और बाद में इस वाले को देखेंगे। तो इसकी खासियत क्या है मैं बता देता हूँ कि इसको 15 से 32 डिग्री तक आप सेट कर सकते हैं। 12 घंटे का इसका प्रोग्राम टाइमर है और डिजिटल LED डिस्प्ले आएगा इसमें, और हाई और लो स्पीड की सेटिंग कर सकते हैं। सेफ है, ऑटो कट करता अपने आप। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करके देखते हैं क्या क्या मिलता हमें इसमें। यूज़र मैनुअल है इसका। तो सबसे पहले तो ये सेफ आपका दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन में टूटेगा नहीं अगर हम इसको भेजते हैं कहीं पर, ठीक है। ये इसका मेन पावर ऑन ऑफ है। जो फ्रंट पैनल दिया हुआ है इसका मेटल का है, तो यानी कि कोई ऐसा डर नहीं है। और ये डिस्प्ले दिया हुआ है, ये कंट्रोल दिया हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, टाइमर दिया हुआ है। ऑटो कट कर जाता है, जैसे आपने टाइमिंग लगाया कि 1-2 घंटे के लिए इसको ऑन करना है तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। 12 घंटे तक का टाइमर इसमें दिया हुआ है। सिंपल है, प्लग एंड प्ले है, बस आपको लगाना है और चालू हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पावर ऑन किया, साइड से बटन को ऑन किया, मैं पास ला के दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल दिया हुआ है, यहाँ से आप घटा सकते हैं और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये स्पीड दी हुई है हाई और लो की। ये आपका टाइमर दिया हुआ है, 1 घंटे चला के बंद करना है, 2 घंटे चला के बंद करना है, उतनी देर में बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आप फील कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी इसकी हीटिंग है। साइड में पावर ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। ABS की बॉडी है, जिसको कोई मतलब जो फायर प्रूफ टाइप की होती है, यानी कि आपका इसका जलने का कोई डर नहीं है। तो बहुत ही किफ़ायती दामों पर आपको मिल जाता है ये। इसको परचेज़ करने का लिंक और इसका प्राइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्राइस मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को अगर आप 2 साल बाद भी देखते हैं तो अभी प्राइस इसका चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ बोल के नहीं बता रहा हूँ, लिख के बताऊँगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इसका प्राइस, और परचेज़ करने का तरीका, कहाँ से परचेज़ करना है, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये 90 आ गया, ये फ़ारेनहाइट हो गया है, और ऐसे करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो कुल मिला के बहुत ही इको फ्रेंडली है। आप जैसे किसी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं जहाँ पे आपका पावर कनेक्शन नहीं है, इन्वर्टर कनेक्शन है, या फिर कोई जहाँ पे मीटर आपका कम पावर का लगा हुआ है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर की कंजप्शन नहीं है। 400 वाट का है और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत ही किफ़ायती है, यानी कि अगर आपका सिंगल यूज़र है, आप किसी गार्ड रूम या रेस्ट रूम या क्लिनिक या फिर दुकान या फिर छोटा सा ऑफिस है कोई, तो उसको सिंगल यूज़र के लिए यूज़ करना तो बहुत ही अच्छा है ये। तो दोस्तों, ये छोटे वाला रूम हीटर है जिसको आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको 2.5 घंटे चलाने पर 1 यूनिट बिजली आपकी कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपका बड़ा घर है, आपके यहाँ पावर मीटर लगा हुआ है, पावर प्लग हैं और आपको बिजली कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये 2 किलोवाट तक का हीटर यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े कमरों के लिए बेसिकली बना हुआ है। इसमें 2 फंक्शन हैं आपके, 2 किलोवाट और 1 किलोवाट, दोनों मोड पे आप इसको चला सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी ऑन करके देख लेते हैं। लगभग 1.5 मीटर के आसपास की इसकी केबल होती है। पावर कोड काफ़ी हैवी दिया हुआ है, जिसका आप सोच रहे होंगे प्लास्टिक है, लेकिन ये बहुत ही मॉडल चलने वाला है और काफ़ी सालों से बिक रहा है मार्केट में। और इसकी जो खासियत है आपको बता देता हूँ कि
इसको आप वर्टिकल वर्टिकली भी इस तरह से रख सकते हैं और हॉरिजेंटली भी रख सकते हैं, इस तरह से जैसे आपको कंफर्ट रहे उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और चलिए मैं वर्टिकली रख लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका थर्मोस्टेट दिया हुआ है यहाँ पर, ये डिसाइड करता है कि कितना रूम हीट होने पे आपका ये कट करेगा, तो आप जितना मुझे टेम्परेचर इसका बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर स्पीड दी हुई है, ये फ़ैन बंद कर दिया, ये फ़ैन चालू हो गया इसका। उसके बाद 1 किलोवाट और ये 2 किलोवाट, तो इसको आप 2 किलोवाट पर या 1 किलोवाट पर चला सकते हैं। बहुत ही गर्म हवा इसकी आ रही है, मैं फील कर पा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। जो इसका प्लास्टिक है ABS का बना हुआ है, यानी कि जलने का डर नहीं है बिल्कुल भी, आगे मेटल लगा हुआ है और इसके ख़राब होने के चांसेस ना के बराबर हैं। सालों साल ये आपका चलता है, मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।